हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी अध्याय 14, प्रश्नावली 14.1 का 3 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मध्य जेब खर्च 18 रुपये है। बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने बोल रहा है, और माध्य बराबर कितना दे दिया है, 18 रुपये। जेब खर्च 18, माध्य जेब खर्च 18 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो सवाल में इस तरह दिया गया है, तो हम लोग इसको टेबल बना के ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, जेब खर्च भत्ता रुपयों में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17। इसके बाद यहाँ दिया है 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23। इसके बाद बच्चों की संख्या 11 से 13 रुपये, 7 बच्चा है, फिर 6 बच्चा है, 13 से 15। ठीक है, हम लोग टेबल बना के उसमें देखते हैं। देखिए हम लोग का टेबल तैयार है। अब इसमें क्या करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, सभी सवाल में ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो इसको भी उसी तरह करते हैं, रफ में देखते हैं। 11 जोड़ 13 बट्टे 2 कितना हो जाता है, 24 बट्टे 2, तो घटेगा तो 12, क्या हो गया 12। अब इसका करते हैं, 13 जोड़ 15 बट्टे 2 28 हो गया, कटेगा तो कितना हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें एक बढ़ोतरी हो रहा है, तो उसी तरह हम लोग एक बढ़ा बढ़ा कर करके लिखेंगे। यहाँ 11 है तो 12 लिखा गया है, 13 है तो 14, यहाँ 15 है तो यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 17 है तो यहाँ 18, यहाँ 19 है तो यहाँ 20, यहाँ 21 है तो यहाँ 22, यहाँ 23 है तो 24, एकक का बढ़ोतरी हुआ है। तब क्या करते हैं, इधर ई बॉक्स में एफ एक्स निकाल देते हैं, एफ इंटू एक्स, ये दोनों को गुना करेंगे। गुना करने के बाद कितना हो जाता है, 84। 14 गुना 6 करने के बाद कितना होता है, 84। फिर 16 गुना 9 करने के बाद क्या होता है, 144। 13 गुना 18 होता है 234। फिर 20f, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20f। इसके बाद 5 गुना 22 हो जाएगा 110। 4 गुना 24 हो जाएगा 96। अब इसको क्या करते हैं, ये बच्चों की संख्या को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर, इधर जोड़ेंगे तो हो जाता है 44। इसके बाद f को दूर ही रखेंगे, जोड़ f लिख देंगे। ठीक, इसके बाद इसको लिखेंगे सिग्मा f x बराबर, ये 20 एफ को छोड़ के ये सब को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 752। फिर यहाँ कैसे जोड़ लिखे हैं, उसी तरह यहाँ भी जोड़ देंगे और 20F को हटा के लिखेंगे, 20F। ठीक, अब सवाल में क्या दिया हुआ था, माध्य बराबर कितना दिया हुआ था, 18 रुपये, इस सवाल में दिया हुआ था। तो हम लोग निकालते हैं माध्य, इसको इसके ऊपर x के ऊपर आवर्त, क्या हो जाता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बट्टे n। इसका कितना दिया हुआ है, माध्य का मान 18,
और इधर कितना इधर निकला है इसको यहाँ ऊपर लिखेंगे 752 प्लस 20F, एन का मान लिखेंगे नीचे, एन का मान कितना है 44 प्लस एफ। अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो पहले करते हैं इससे गुना एक से करते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक से सेम ही हो जाएगा 20F। अब 18 से इसमें गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15। हो गया। अब क्या करेंगे, एफ वाला को एक तरफ कर देंगे 20F, इसको उठा के इधर करेंगे माइनस हो जाएगा 18F बराबर, इसको उठा के इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो देखिए घटाने के बाद क्या आता है, 20 से 18 घटेगा तो 2F बचेगा, इधर इतना हम घटेगा तो 40 बचेगा, तो इधर गुना तो उधर जाएगा तो भाग, F बराबर हो जाएगा 40/2, तो कटेगा तो 20 बचेगा, F बराबर 20 आ गया। तो क्या बोल रहा था, लुप्त संख्या ज्ञात करने, तो लुप्त संख्या कितना निकल गया, F बराबर 20 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो यही समाप्त करते हैं।